दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हालिमाई वेब सीरीज अनदेखी सीजन 3 के सारे एपिसोड्स को। अगर आपको सीजन 1 और सीजन 2 देखना है तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख लीजिए। अब चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, हम कहानी शुरू करते हैं। तो एपिसोड 1 की शुरुआत में हमें 2 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ न्यू दिल्ली में दीपिका नाम की एक लड़की मिस्टर घोषाल और उसके बेटे को किडनैप कर लेती है। फिर वो मिस्टर घोषाल से वो वीडियो मांगती है जो शाश्वत ने उसे सेंड की थी, जिसमें पापा जी ने उस आदिवासी लड़की को गोली मारी थी। लेकिन मिस्टर घोषाल दीपिका से कहता है कि उसके पास वो वीडियो नहीं है। इस पर दीपिका घोषाल को धमकाती है कि अगर उसने वो वीडियो नहीं दी तो वो उसके बेटे को मार डालेगी। तब ये देखकर मिस्टर घोषाल दीपिका को वो वीडियो दे देता है और वीडियो देने के बाद दीपिका घोषाल को ही गोली मार देती है। खैर इधर रिंकू को पता चल जाता है कि समर्थ कहाँ है। फिर वो अपने आदमियों के साथ उस जगह पहुँचता है और एक घर पर फायरिंग करता है, लेकिन घर के अंदर आने पर उन्हें पता चलता है कि समर्थ तो यहाँ से भाग चुका है। अब इसी बीच लकी की नज़र एक बैग पर जाती है जिसमें बॉम्ब लगा हुआ होता है। तब बॉम्ब ब्लास्ट होने से पहले ही सब घर से निकल जाते हैं और उनकी जान बच जाती है। इधर पापा जी की देखरेख के लिए अब गीत नाम की नर्स को रखा जाता है और साथ ही वो लकी की भी फ्रेंड होती है। अब यह रिजॉर्ट आने के बाद रिंकू तेजी से मिलता है और ताना मारते हुए कहता है कि तेजी की किस्मत बहुत खराब है, मैं फिर से बच गया। जैसे पिछली बार उसने समर्थ के साथ मिलकर पापा जी को मारने की कोशिश की थी और आज समर्थ ने मुझ पर अटैक किया। साथ ही वो तेजी को धमकाता भी है कि वो समर्थ और उसका साथ देने वाले लोगों को जान से मार देगा। अब इधर हम तेजी और दमन को देखते हैं, जहां दमन तेजी से अपने सारे रिश्ते तोड़ चुका होता है क्योंकि उसे पता चल चुका था कि पापा जी की किडनैपिंग के पीछे तेजी का भी हाथ था। और साथ ही अब दमन को पापा जी के ड्रग्स बिजनेस में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब इधर तेजी जैरी और याका से बिजनेस डील करने आती है और कहती कि ड्रग्स बिजनेस रिंकू के बस का नहीं है, इसलिए वो ये बिजनेस खुद संभालना चाहती थी, लेकिन जैरी और याका उससे डील करना नहीं चाहते थे। अब इसके बाद जैरी और याका से डील करने रिंकू आता है और जैरी उससे कहती है कि वो यहाँ से अपना ड्रग्स बिजनेस हटाना चाहते हैं क्योंकि उसके फैमिली के तो अलग अलग एजेंडा है, इसलिए वो अब उनकी फैमिली के साथ बिजनेस डील नहीं कर सकते। इस पर रिंकू उनसे कहता है कि उसने उनका बुरे वक्त पर साथ दिया था और अब उन्हें भी उसका साथ देना होगा। तब जैरी कहती है कि वो उसे फैक्टर और ड्रग्स फार्मूला देंगे जिससे वो अपना बिजनेस खुद चला सकता है, लेकिन रिंकू कहता है कि उसके पास इतने फंड्स नहीं है जिससे वो माल खरीद सके, जिस पर जैरी कहती है कि वो एग्रीमेंट के साथ 15% पैसे देगी और साथ ही सप्लाई और रॉ मटेरियल भी देगी। तब ये सारी बातें तेजी बाहर से खड़ी होकर सुन रही होती है। इसके बाद तेजी पापा जी के पास आकर उन्हें बताती है कि रिंकू अभी भी जैरी और याका के साथ बिजनेस डील कर रहा है, ये पता होते हुए भी कि समर्थ उनका आदमी था। इस पर पापा जी तेजी से कहते हैं कि वो तो बस डील साइन होने का वेट कर रहे हैं, जैसे डील साइन होगी वो उन्हें मार देंगे। तब तेजी कहते हैं कि फिर आप दमन को इन सब में शामिल क्यों नहीं कर रहे, जिस पर पापा जी का कहना था कि वो इस बारे में पूरी फैमिली के साथ बैठकर बात करेंगे। इधर मुस्कान रिंकू को बताती है कि वो पापा बनने वाला है, ये सुनकर रिंकू बहुत खुश होता है। अब इधर हम डीएसपी घोष को देखते हैं, जिसे आज भी इस बात का पछतावा होता है कि उसने रिंकू के साथ डील की थी, जिसकी वजह से ऋषि की जान गई और वो आदिवासी लड़की भी मारी गई। अब अगले दिन पापा जी अपना सारा बिजनेस रिंकू और दमन से बांटने की बात करते हैं और कहते कि रिजॉर्ट का बिजनेस दमन संभालेगा और रिंकू बाकी सारा बिजनेस संभालेगा। फिर इधर हम समर्थ को देखते हैं जो जैरी और याका के पास आता है और वह जैरी और याका समर्थ को देखकर डर जाते हैं। असल में समर्थ को पता चल गया था कि ये दोनों रिंकू के साथ मिलकर बिजनेस करने वाले हैं। खैर इसके थोड़ी देर बाद रिंकू और पापा जी जैरी और याका से अपने बिजनेस के बारे में मीटिंग करने उनके घर आते हैं, जहाँ टेबल पर 2 बॉक्स रखे होते हैं। और जब रिंकू उन बॉक्स को देखता है तो उस बॉक्स में जैरी और याका का कटा हुआ सर था। ये देखकर सब शॉक्ड हो जाते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि समर्थ ने ही उन्हें मार दिया और वो नहीं चाहता था कि जैरी और याका रिंकू के साथ बिजनेस करे। अब इस चीज से रिंकू काफी परेशान हो चुका था क्योंकि जैरी ने उसे सिर्फ ड्रग्स का फॉर्मूला दिया था और फंड्स और मटेरियल देने से पहले ही समर्थ ने उन्हें मार डाला, इसलिए अब रिंकू पूरे खून खराबे के मूड में आ जाता है। खैर इधर तेजी पर दीपिका का मैसेज आता है जिसने घोषाल को मारा था और यहाँ पापा जी सो रहे होते हैं, तभी उनके मोबाइल पर वही वीडियो आती है जिसमें उन्होंने आदिवासी लड़की को गोली मारी थी। ये देखकर पापा जी के होश उड़ जाते हैं। वहीं यहाँ डीएसपी घोष के पास भी वो वीडियो आ जाती है, जिसे देखकर वो भी शॉक्ड हो जाता है। इसके बाद हमें एक अनजान आदमी को दिखाया जाता है। यहीं पर एपिसोड 1 खत्म होता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में हम देखते हैं कि पापा जी रिंकू को वही वीडियो दिखाते हैं और उससे कहते हैं कि कोई उसे खुली धमकी दे रहा है और वो कुछ भी नहीं कर पा रहा। फिर हम देखते हैं कि समर्थ जब कहीं जा रहा होता है, तब दीपिका के आदमी आकर उसे पकड़ लेते हैं, जहां हमें पता चलता है कि जैरी और याका के पास डील करने समर्थ को दीपिका ने ही भेजा था, लेकिन जब उन्होंने डील करने से मना कर दिया तो समर्थ ने उन्हें मार डाला।
अब दीपिका समर्थ से कहती है कि उसने रिंकू को मारने की कोशिश क्यों की। इस पर समर्थ कहता है कि अगर वो उसे नहीं मारेगा तो रिंकू उसे मार डालेगा। खैर इसके बाद दीपिका के आदमी समर्थ को पकड़ कर ले जाते हैं। वही अब यहाँ लकी और रिंकू बात कर रहे होते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि कोई राजवीर मल्होत्रा नाम का आदमी पूरे मनाली में आकर ड्रग्स बेच रहा है। तब रिंकू लकी को उस आदमी का पता लगाने के लिए कहता है। अब इधर क्राइम ब्रांच कुल्लू पुलिस स्टेशन में राशि और सतिंदर नाम के दो पुलिस वाले आपस में बातें कर रहे होते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि इनके पास पापा जी की वो वीडियो है जिसमें उन्होंने आदिवासी लड़की को गोली मारी थी और डीएसपी घोष ने ही इन्हें इस केस के लिए यहाँ बुलाया है। अब इधर हम देखते हैं कि पापा जी का केस लड़ने के लिए लॉयर सुंदरलाल बजाज को बुलाया जाता है, जहां ये लोग पापा जी को मनाली से बाहर भेजने का प्लान बना रहे होते हैं। खैर अब डीएसपी घोष क्राइम ब्रांच कुल्लू पहुंचते हैं और एसीपी सतेंद्र सिंह को मनाली पुलिस स्टेशन जाकर पापा जी के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज करने के लिए कहते हैं। तब सुनील डोगरा रिंकू को कॉल करके एफआईआर के बारे में बताता है। इसी बीच वहाँ डीएसपी घोष पापा जी को अरेस्ट करने के लिए रिजॉर्ट पहुंचते हैं। तब लकी और पापा जी की नर्स गीत पापा जी को रिजॉर्ट के पीछे की तरफ से भगा कर ले जाते हैं और ये बात डीएसपी घोष को भी पता चल जाती है। फिर जब डीएसपी घोष पापा जी का पीछा करने के लिए रिजॉर्ट से निकलता है तो रिंकू मेन गेट पर ताला लगवा देता है, ये बोलकर कि गार्ड तो लंच करने गए हैं ताकि डीएसपी पापा जी तक ना पहुंच पाए। लेकिन डीएसपी रिंकू की ये चाल भी समझ जाता है और उसे कहता है कि वो आज नहीं तो कल पापा जी को तो पकड़ ही लेंगे, जिसके थोड़ी देर बाद गार्ड आकर वो मेन गेट खोल देते हैं। अब अगले दिन डीएसपी लकी और बिलाल का नंबर लेकर उसे ट्रेस में डाल देता है, लेकिन उनका फोन तो स्विच ऑफ आ रहा था। तभी वहाँ एक कॉन्स्टेबल आता है और डीएसपी को एक सीसीटीवी फुटेज दिखाता है जिसमें लकी और उसके आदमी पापा जी को मनाली से बाहर ले जा रहे होते हैं। अब यहाँ लकी के पास रिंकू का कॉल आता है, जिससे हमें पता चलता है कि रिंकू ने लकी को अलग फोन दे दिया था ताकि डीएसपी उसे ट्रेस ना कर पाए। और रिंकू लकी को बताता है कि डीएसपी ने सारी जगह नाकाबंदी कर दी है। खैर इधर हम देखते हैं कि पुलिस की टीम को वही गाड़ी मिलती है जिसमें लकी और बिलाल पापा जी को कहीं ले जा रहे थे और इससे डीएसपी को पता चल जाता है कि इन लोगों ने गाड़ी चेंज कर ली है। अब हम देखते हैं कि यहाँ लकी पापा जी को एक वैन में ले जा रहा होता है जहाँ उसके साथ पापा जी की नर्स गीत भी होती है और यहाँ हमें पता चलता है कि लकी और गीत एक दूसरे से प्यार करते हैं। इसके बाद यहाँ तेजी और दमन बात कर रहे होते हैं, जहाँ दमन तेजी से कहता है कि वो रिजॉर्ट का बिजनेस बेचना चाहता है ताकि वो तेजी यूएस में जाकर सेटल हो सके। हालांकि अभी भी दमन ने तेजी को माफ नहीं किया था। तब यही बात तेजी दीपिका को बता देती है और उससे कहती है कि दमन को ऐसा करने से रोको। खैर इधर लकी रात होने की वजह से वैन को एक जगह रोककर आराम कर रहा होता है। तभी उसकी अचानक आंख खुलती है तो वो देखता है कि पापा जी तो वैन में है ही नहीं। ये देखकर लकी काफी घबरा जाता है और लकी और बिलाल पापा जी को ढूंढने निकलते हैं। अब इसी बीच हम देखते हैं कि गीत बिलाल का फोन ऑन कर देती है और यहाँ पापा जी कुछ आदमियों के साथ ड्रिंक कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पापा जी को ढूंढते हुए लकी और बिलाल पहुंच जाते हैं और उन्हें अपने साथ वैन लेकर चले आते हैं। खैर इधर अब बिलाल का फोन ऑन होने की वजह से उसका फोन ट्रेस हो जाता है, जिसके बाद डीएसपी अपनी टीम के साथ पापा जी को अरेस्ट करने के लिए निकलते हैं। और इधर सुनील डोगरा रिंकू को कॉल करके बता देता है कि डीएसपी को पापा जी की लोकेशन मिल गई है और वो बिलाल का फोन ट्रेस कर रहे हैं। इसके बाद रिंकू तुरंत लॉयर बजाज को कॉल करता है और उससे कहता है कि वो आईजी को बोलकर डीएसपी को रोके, जिसके बाद रिंकू लकी को कॉल करके बताता है कि बिलाल के फोन के जरिए पुलिस उनकी लोकेशन जान चुकी है। इधर डीएसपी को बीच रास्ते में पता चलता है कि लकी की गाड़ी मनाली आ रही है, जिसके बाद डीएसपी अपनी टीम के साथ उस फोन को ट्रेस करके हॉस्पिटल पहुंच जाता है, जहां उन्हें पता चलता है कि पापा जी को चेस्ट पेन होने के कारण आईसीयू में एडमिट किया गया है। लेकिन डीएसपी उनकी इस चाल को भी समझ चुका था कि ये उन्होंने इसलिए किया ताकि वो पापा जी को पकड़ ना पाए। अब इसी बीच लॉयर बजाज उसे पापा जी की मेडिकल रिपोर्ट दिखाता है, जिसके बाद डीएसपी वो रिपोर्ट अपनी टीम को देकर उसकी जांच करने के लिए कहता है। साथ ही वो अपनी टीम से गीत पर नजर रखने के लिए भी कहता है। खैर अब इधर शेरा रिंकू को बताता है कि मल्होत्रा का माल जिस तरफ से आ रहा है वो हमने पता कर लिया है, जिसके बाद रिंकू अपने आदमी के साथ उस जगह पहुंच जाता है और उस ट्रक में बैठे आदमी को पकड़ लेता है। फिर वो मल्होत्रा को सबक सिखाने के लिए उस आदमी की छाती पर चाकू से अतवाल नाम लिखता है, जिससे वो आदमी बहुत तड़पता है। खैर इसके बाद हम देखते हैं कि तेजी रिंकू को जाता देखकर उसका पीछा करती है, जहां रिंकू एक घर में जाता है और एक लड़की के साथ इंटीमेट भी होता है। तब तेजी देखती कि ये तो सलोनी है जो कि जिंदा थी और ये देखकर तेजी के होश उड़ जाते हैं। यहीं पर एपिसोड 2 खत्म होता है। एपिसोड 3 की शुरुआत में हम देखते हैं कि डीएसपी अपनी टीम के साथ हॉस्पिटल आते हैं और पापा जी को दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करने के लिए कहते हैं। तभी वहाँ पापा जी के लॉयर बजाज आते हैं और डीएसपी से बोलते हैं कि पापा जी को कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर कुमार के अप्रूवल के बिना यहाँ से शिफ्ट नहीं कर सकते। इस पर एसीपी सतेंद्र सिंह उन्हें कोर्ट की परमिशन दिखाता है और फिर डीएसपी पापा जी को अरेस्ट करके ले जाते हैं।
खैर इधर हम देखते हैं कि तेजी सलोनी से मिलने आती है। तब सलोनी तेजी को देखकर उससे हेल्प मांगती है और उसे यहाँ से निकालने के लिए कहती है, लेकिन तेजी को उस पर ट्रस्ट नहीं होता और वो उसकी हेल्प करने से मना कर देती है। वहीं अब पापा जी के परिवार वाले भी जान जाते हैं कि पापा जी को अरेस्ट कर लिया गया है और ये जानकर वो सभी शॉक्ड हो जाते हैं। इधर DSP घोष मीडिया में बयान देते हैं कि उन्हें पापा जी के खिलाफ स्ट्रॉन्ग एविडेंस मिले हैं और अगर वो दोषी साबित हो गए तो अंडर 302 और 201 के तहत उन्हें उम्र कैद की सजा होगी। अब यह लकी रिंकू को कॉल करके फैक्ट्री आने के लिए कहता है और जब रिंकू फैक्ट्री पहुंचता है तो वहाँ राजवीर मल्होत्रा रिंकू से मिलने आता है और उसे अपने साथ पार्टनरशिप करने के लिए कहता है। साथ ही वो उसके लिए एक गिफ्ट भी छोड़कर जाता है। इसके बाद यह दमन के पास एक कॉल आता है जिससे उसे समर्थ का पता चल जाता है कि वो कहाँ छुपा है। तब दमन अपने साथ एक बंदूक लेकर वहाँ से चला जाता है और ये सब गीत भी सुन लेती है। खैर इधर DSP भूषण नाम के एक आदमी से मिलने आता है और उसे वो वीडियो दिखाता है जिसमें पापा जी ने आदिवासी लड़की को गोली मारी थी और ये आदमी उस रात वहीं मौजूद था। फिर DSP उसे कहता है कि 24 घंटे के अंदर पापा जी के खिलाफ उसका स्टेटमेंट चाहिए और रिंकू से उसे प्रोटेक्शन हम देंगे वरना उसके लिए अच्छा नहीं होगा। इधर तेजी दीपिका को कॉल करके बता देती है कि दमन ने समर्थ को ढूंढ लिया है और अगर समर्थ ने दमन को सब कुछ बता दिया तो उसकी पोल खुल जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं कि गीत एक आदमी से मिलती है और उसे कुछ इन्फॉर्मेशन देती है। तभी रास्ते में DSP भी उससे मिलते हैं जहां हमें पता चलता है कि गीत नर्स नहीं है बल्कि वो तो एक अंडरकवर नारकोटिक्स एजेंट है और वो एक मिशन पर आई है। अब ये जानकर DSP उसके साथ मिलकर काम करने के लिए ऑफर देता है लेकिन गीत उसे मना कर देती है और उससे कहती कि वो अपने मिशन को रिस्क में नहीं डाल सकती। अब इधर हम देखते हैं कि समर्थ रिंकू के आदमी के कैद में होता है लेकिन तभी वो उसे मार कर वहाँ से भाग जाता है, जिसके थोड़ी देर बाद रिंकू और दमन अपने आदमियों के साथ वहाँ आते हैं और उन्हें समर्थ कहीं भी नहीं मिलता। ये देखकर वो लोग समर्थ को चारों ओर ढूंढने लगते हैं। यहाँ समर्थ DSP को कॉल करके उनसे मदद मांगता है। साथ ही वो DSP से कहता है कि उसके पास अतवाल फैमिली के ड्रग्स बिजनेस के सारे एविडेंस हैं और उनके पेपर्स अगर तुम्हें मिल गए तो अतवाल फैमिली पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। जिसके बाद समर्थ DSP को अपनी लोकेशन भेजता है। साथ ही वो DSP से कहता है कि उसने एक चिप में सारे एविडेंस रखे हैं और वो DSP को वो लोकेशन भी बता देता है जहाँ उसने चिप छुपाई थी। इसके बाद DSP के आने से पहले रिंकू और दमन समर्थ को ढूंढ लेते हैं और उसे यही मार डालते हैं। फिर जब DSP वहाँ आता है तो ये देखकर उसको काफी दुख होता है कि उनके रहते यहाँ लाइन से लोग मारे जा रहे हैं और DSP कुछ कर भी नहीं पा रहा। अब इधर तेजी सलोनी से मिलने आती है और सलोनी तेजी से कहती है कि उसे पता चला कि पापा जी पुलिस कस्टडी में हैं और अगर मैं चाहूँ तो वो कभी भी बाहर नहीं आएंगे क्योंकि अब वो एकलौती विटनेस बची है जिसने ऋषि को मरते हुए देखा था। ये सुनते ही तेजी उसे वहाँ से भगा देती है। अब इधर हम देखते कि DSP समर्थ के बताए हुए लोकेशन पर पहुँचता है जहाँ से वो चिप मिल जाती है। यहीं पर episode 3 खत्म होता है। episode 4 की शुरुआत में हम देखते हैं कि पापा जी को हॉस्पिटल में एक कंगन मिलता है जिसे देखकर पापा जी के होश उड़ जाते हैं। अब उन्होंने ऐसा रिएक्शन क्यों दिया वो हमें आगे पता चलेगा। फिर कोर्ट में पापा जी की मेडिकल हेल्थ को देखते हुए उन्हें बेल मिल जाती है। उन्हें शहर छोड़कर जाने के लिए मना किया जाता है। अब इधर हम देखते हैं कि भूषण जब अपने घर आता है तो देखता है कि उसकी वाइफ को किसी ने गोली मार दी है। ये देखकर वो काफी डर जाता है। तभी वहाँ रिंकू आता है और वो उसे भी मार डालता है। दरअसल रिंकू को पता चल चुका था कि वो DSP की मदद कर रहा है और वो कोर्ट में पापा जी के खिलाफ गवाही भी देने वाला है। खैर अब इधर हम देखते हैं कि रिंकू आकर पापा जी को बताता है कि समर्थ मर चुका है और उसे दमन ने मारा है। ये सुनकर पापा जी बहुत खुश होते हैं। तभी वहाँ पर लकी आता है और वो रिंकू को बताता है कि सलोनी तो भाग गई। ये सुनकर रिंकू हैरान हो जाता है और वो तेजी पर शक करता है। अब इधर भूषण के घर पर DSP पहुँचता है जहाँ पर सुनील डोगरा भी मौजूद था। वो DSP को झूठी कहानियां बताता है कि भूषण की वाइफ और उसके गार्ड का अफेयर चल रहा था और ये चीज भूषण ने देख ली, जिसके बाद भूषण ने गुस्से में अपनी वाइफ और उस गार्ड को मार डाला और खुद को भी समाज के डर से गोली मार ली। तब ये सुनकर DSP घोष को सुनील की बातों पर यकीन नहीं होता और वो समझ जाते हैं कि इन सब के पीछे जरूर रिंकू का हाथ है। अब इधर हम देखते हैं कि दमन के पास रतन सिक्का नाम के एक आदमी का कॉल आता है जो उससे कहता है कि उसे पता चला है कि वो अपने होटल बिजनेस के लिए एक इन्वेस्टर ढूंढ रहा है, इसलिए वो उससे मिलकर बिजनेस डील करना चाहता है। इधर पापा जी अपनी वाइफ को वही कंगन दिखाते हैं जो पापा जी को हॉस्पिटल में मिला था और पापा जी कहते हैं कि कंगन किसी ने जानबूझकर छोड़ा है। फिर यह सलोनी भागकर सीधा DSP के पास आती है और उसे कहती है कि रिंकू ने उसकी सारी टीम को मार दिया और अब वो उसे भी मार डालेगा। इस पर DSP उससे कहता है कि फिर रिंकू ने तुम्हें क्यों नहीं मारा। तब सलोनी बता दे कि वो उसे टॉर्चर करता है और उसका रेप भी करता है। तब ये देखकर DSP उसकी हेल्प करने के लिए मान जाता है। फिर सलोनी कहती कि उसे तेजी ने रिंकू की कैद से भगाया है और अगर ये बात रिंकू को पता चल गई तो वो तेजी को मार डालेगा। साथ ही सलोनी बता दे कि वो उस रात पार्टी की एकलौती विटनेस है
जिससे वो पापा जी को जेल पहुंचा सकती है। इधर हम देखते कि रिंकू तेजी के पास आता है और उस पर इल्जाम लगाता है कि उसने सलोनी को भगाया होगा, पर तेजी कुछ भी नहीं कहती। इसके बाद रिंकू राजवीर के पास मिलने आता है और उनके साथ बिजनेस करने के लिए मान जाता है। हालांकि इसके लिए वो उससे 1,000 करोड़ रुपए मांगता है और राजवीर उसे पैसे देने के लिए रेडी था, लेकिन साथ ही वो उसे कहता है कि उसकी कुछ शर्तें होंगी और उसको बिजनेस की सिक्योरिटी के लिए कोलेट्रल चाहिए होगा, जिसके बारे में रिंकू सोचने लगता है। इधर हम देखते कि गीत से मिलने डीएसपी आता है और उससे वो आदिवासी लड़की की कब्र के बारे में पूछता है, लेकिन गीत उन्हें कुछ भी नहीं बताती, जिसके बाद डीएसपी गीत को गन पॉइंट पर ले लेता है और फिर वो लकी के पास आकर उससे पूछते हैं कि उस आदिवासी लड़की की कब्र के बारे में बता दो जिसे पापा जी ने उस रात गोली मारी थी, वरना ये लोग गीत को मार देंगे। तब लकी सोच में पड़ जाता है। खैर, इधर रिंकू के पास सुनील डोगरा का कॉल आता है और वो उसे बता देता है कि सलोनी डीएसपी के पास आई है, जो सुनकर रिंकू के होश उड़ जाते हैं। फिर रिंकू दमन और तेजी को बुलाता है और उन्हें बताता है कि उसे एक बिजनेस के लिए नई पार्टी मिली है जो पैसे देने के लिए रेडी है, लेकिन उन्हें कोलेट्रल चाहिए। अगर वो अपनी हिमाचल वाली जमीन के कागज उसे सौंप दे तो अच्छा रहेगा, लेकिन दमन उसे ऐसा करने से मना कर देता है क्योंकि वो इतना बड़ा रिस्क लेना नहीं चाहता था। और दमन कहता है कि इस बारे में उन्हें पापा जी से डिस्कस करना चाहिए। अब इसके बाद तेजी रिंकू से मिलती है और उसे एक ऑफर करती है कि वो दमन को कन्विंस करके हिमाचल की प्रॉपर्टी के पेपर्स उस आदमी के पास गिरवी रखवा सकती है, पर बदले में उसे उसके बिजनेस में पार्टनरशिप चाहिए। तभी मुस्कान आती है और उसे कहती है कि उसे गीत के साथ आज डॉक्टर के पास जाना था, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है और साथ ही लकी का फोन भी नहीं लग रहा। तब ये सुनकर रिंकू शेरा को कॉल करके लकी का पता लगाने के लिए कहता है। इधर डीएसपी अपनी टीम के साथ उस जगह पहुंचता है जहां रिंकू ने उस आदिवासी लड़की को दफनाया था, जिसके बाद वहां डीएसपी को आदिवासी लड़की की बॉडी मिल जाती है। पर तभी एक कांस्टेबल सुनील डोगरा को कॉल करके बता देता है कि डीएसपी को उस आदिवासी लड़की की बॉडी मिल गई है और सुनील डोगरा सीधा रिंकू को ये बात बताता है। फिर इधर हम देखते हैं कि राजवीर मल्होत्रा तो पूरे रिजॉर्ट में सीसीटीवी कैमरा लगाकर उन पर नजर रख रहा है और यहीं पर एपिसोड 4 खत्म होता है। एपिसोड 5 की शुरुआत में हम देखते हैं कि रिंकू लकी और शेरा को धमकाता है और उनसे कहता है कि अगर उसे पता चला कि उन दोनों में से किसी ने डीएसपी को उस लड़की की बॉडी के बारे में बताया है तो वो उसे नहीं छोड़ेगा। जिसके बाद लकी अपनी गर्लफ्रेंड गीत के पास आता है और उससे कहता है कि रिंकू को उस पर शक हो गया है कि डीएसपी को उसने ही आदिवासी लड़की की डेड बॉडी के बारे में बताया है। साथ ही वो गीत को ये भी कहता है कि अगर रिंकू को पता चल गया कि उसने गीत की जान बचाने के लिए डीएसपी की मदद की तो वो उसे मार डालेगा, इसलिए वो गीत को यहाँ से चले जाने के लिए कहता है। अब ये सुनकर गीत उसे अपना सब कुछ बता देती है कि वो एक नारकोटिक्स एजेंट है, क्योंकि गीत लकी से अब प्यार करने लग गई थी। तब ये सुनकर लकी शॉक्ड हो जाता है और वो उससे कहता है कि तुम इतने दिनों से मेरे साथ प्यार का नाटक कर रही थी। तब गीत कह देगी वो शुरू में तो सिर्फ अपना काम कर रही थी, लेकिन बाद में वो धीरे धीरे उसके प्यार में पड़ गई और अब उसे मनाली छोड़कर जाने के ऑर्डर्स मिल चुके हैं, लेकिन वो तो लकी के साथ रहना चाहती है। फिर गीत लकी से कहती है कि वो कल सुबह 7 बजे उसका इंतजार करेगी, ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। अब इधर डीएसपी बंगाल के सुबू नाम के एक आदमी से उस आदिवासी लड़की के घर जाकर उसके पेरेंट्स से डीएनए लाने के लिए कहते हैं। खैर, इधर कोर्ट की अगली हियरिंग में लॉयर कमलेश, जो आदिवासी लड़की का लॉयर था, वो दमन से सवाल पूछता है कि जब आदिवासी लड़की को गोली लगी तो वो कहाँ था। इस पर दमन कहता है कि वो उस टाइम वहाँ नहीं था, क्योंकि पापा जी की तबीयत खराब होने की वजह से वो उन्हें उनके रूम में छोड़ने गया था। अब लॉयर उससे पूछता है कि इस बात का क्या प्रूफ है कि वो पापा जी के साथ उनके रूम में था, जिस पर दमन तेजी का नाम लेता है। तब लॉयर दमन को कॉल रिकॉर्ड दिखाते हुए कहता है कि जब आपकी वाइफ आपके साथ थी तो फिर 10:42 पर उसने आपको कॉल क्यों किया था। इस पर दमन कुछ भी नहीं कहता। फिर लॉयर जज से कहता है कि अब अगली हियरिंग में मिसेस तेजी को दमन की स्टेटमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाए। तभी वहाँ पर पापा जी को एक रुमाल मिलता है, ये देखकर पापा जी फिर से शॉक्ड हो जाते हैं। खैर, इधर लकी के पास गीत का मैसेज आता है कि वो 7 बजे तक उसका इंतजार करेगी। वहीं अब पापा जी को रुमाल मिलने के बाद वो शांत हो चुके थे और उन्हें पास्ट की कुछ चीजें याद आती हैं, जिसमें हमें दिखाया जाता है कि एक औरत इसी रुमाल की कढ़ाई कर रही है। अब इधर बंगाल के सुंदरवन में उस आदिवासी लड़की के पेरेंट्स के पास एक आदमी आता है और उन्हें कहता है कि उनकी बेटी ने उन्हें अपने पास बुलाया है। इसके बाद हम देखते हैं कि मनाली के बस स्टैंड पर गीत लकी का वेट कर रही होती है। तभी वहाँ पर रिंकू के आदमी आकर उसे किडनैप करके ले जाते हैं, जिसके बाद वहाँ पर लकी आता है और वो देखता है कि गीत वहाँ पर नहीं है। तभी लकी पर शेरा का कॉल आता है जो कहता है कि रिंकू ने उसे बुलाया है। इसके बाद लकी रिंकू के पास पहुँचता है जहाँ वो देखता है कि गीत तो उनके कब्जे में है। दरअसल रिंकू को पता चल गया था कि गीत एक नारकोटिक्स एजेंट है और वो इतने दिनों से उन पर नजर रख रही थी। साथ ही रिंकू को ये भी पता चल चुका था
कि लकी ने गीत की जान बचाने के लिए डीएसपी को आदिवासी लड़की की बॉडी के बारे में बताया था। खैर अब लकी के सामने रिंकू गीत के कपड़े उतरवाता है। ये देखकर लकी गीत को खुद गोली मार देता है क्योंकि ये सब उसे देखा नहीं जाता और ये सब करके लकी को बहुत दुख होता है कि उसने रिंकू की वजह से पहले अपने भाई और अब अपनी गर्लफ्रेंड को खो दिया। अब इधर हम देखते हैं कि डीएसपी के पास सोबू का वीडियो कॉल आता है जहां वो डीएसपी को बताता है कि उस आदिवासी लड़की के माँ बाप घर पर नहीं हैं और पूरा घर साफ कर दिया गया है, यानी कि रिंकू के आदमियों ने उठाकर ले गए हैं ताकि डीएसपी उनका डीएनए ना ले सके। खैर अब डीएसपी लकी को कॉल करके बुलाता है और उससे कहता है कि गीत की डेड बॉडी को उसके घर वालों तक पहुंचा दो। ये बोलकर लकी वहां से चले जाता है। इसके बाद कोर्ट की अगली हियरिंग होती है जहां लॉयर कमलेश तेजी से कुछ सवाल पूछते हैं कि उसे कैसे पता चला कि उस आदिवासी लड़की को गोली लगी थी। इस पर तेजी कहते कि उसने एम्बुलेंस की आवाज़ सुनी थी और वह एम्बुलेंस उस आदिवासी लड़की के लिए ही आई थी और उस समय तो वो पापा जी और दमन के साथ थी। इस पर लॉयर तेजी से पूछता है कि जब तुम अपने हस्बैंड दमन के साथ थी तो उसे कॉल क्यों किया था। इस पर तेजी कहती है कि शायद गलती से लग गया होगा। अब इसके बाद लॉयर कमलेश डीएनए रिपोर्ट दिखाता है और कहता है कि इस रिपोर्ट में साबित हो चुका है कि वो बॉडी उस आदिवासी लड़की की है। दरअसल डीएसपी ने अपने आदमी सोबू को उस आदिवासी लड़की के घर का बाथरूम चेक करने के लिए कहा था, जिसके बाद सोबू को उस बाथरूम में हेयर सैंपल मिले थे जो उस आदिवासी लड़की की माँ के थे और साथ ही इस वीडियो की लैब रिपोर्ट भी आ चुकी थी और रिजल्ट पे प्रूफ हो चुका था कि ये वीडियो जेन्युइन है। खैर अब डीएसपी सलोनी के पास आता है और उसे कोर्ट में पापा जी के खिलाफ गवाही देने के लिए कहता है। साथ ही वो उसे ये भी कहता है कि वो उसे कुछ भी नहीं होने देगा, जिसके बाद सलोनी कोर्ट में पापा जी के खिलाफ गवाही देने के लिए मान जाती है। अब यहाँ दमन को डर लग रहा होता है कि कहीं सलोनी पापा जी के खिलाफ कोर्ट में गवाही ना दे दे। इस पर रिंकू दमन से कहता है कि तुम टेंशन ना लो, मैं सब कुछ मैनेज कर लूंगा। अब अगली हियरिंग में डीएसपी अपनी टीम के साथ सलोनी को गवाही देने के लिए कोर्ट ले जा रहा होता है, तभी बीच रास्ते में रिंकू के आदमी उन पर हमला कर देते हैं। यहीं पर एपिसोड 5 खत्म होता है। एपिसोड 6 की शुरुआत में हम देखते हैं कि रिंकू के आदमियों ने एसीपी सतिंदर को मार दिया है और ये देखकर डीएसपी को बहुत दुख होता है। फिर कोर्ट में हमें पता चलता है कि रिंकू ने लैब से आई वीडियो की रिपोर्ट को चेंज करवा दिया था, जिससे कोर्ट में साबित हो जाता है कि वो वीडियो फेक है। तभी वहाँ पर डीएसपी सलोनी के साथ आता है और ये देखकर रिंकू के होश उड़ जाते हैं। असल में सलोनी को किसी तरह से राशि ने बचा लिया था, जिसके बाद सलोनी को विटनेस बॉक्स में लाया जाता है जहाँ लॉयर कमलेश सलोनी से सवाल पूछता है कि जब उस आदिवासी लड़की को गोली लगी थी तो वो कहाँ थी। इस पर सलोनी कहती है कि वो और उसकी टीम पार्टी की वीडियो शूट कर रही थी, तभी उन्हें अचानक से गोली की आवाज़ सुनाई दी और जब उन्होंने देखा तो वो आदिवासी लड़की स्टेज पर गिरी हुई थी। जिसके बाद लॉयर उस पार्टी वाली रात की वीडियो कोर्ट में चलाता है, जिसमें पापा जी उस आदिवासी लड़की को गोली मार रहे थे। तब लॉयर सलोनी से पूछता है कि क्या पूरे कोर्ट में गवाही दे सकती हैं कि इस वीडियो में जो आदमी गोली चला रहा है वो पापा जी है या नहीं। इस पर सलोनी लॉयर से कहती है कि जिस लड़की को हमारे सामने गोली मारी है वो वही आदिवासी लड़की थी, लेकिन पापा जी तो ये सब होने से पहले ही पार्टी छोड़कर दमन के साथ चले गए थे। ये सब कहकर कोर्ट में सलोनी झूठी गवाही दे देती है कि ये वीडियो तो फेक है और उन्होंने ये वीडियो शूट नहीं की है। तब ये सुनकर डीएसपी को बहुत गुस्सा आता है, पर वो कुछ भी कर नहीं पाता। इसके बाद राशि आकर डीएसपी को बताती है कि उसकी टीम का एक ऑफिसर जगदीप सुनील से मिला हुआ है, लेकिन वो तो अब यहाँ से भाग चुका है जो जल्दी पकड़ा जाएगा। अब रिंकू तेजी के साथ सलोनी से मिलता है, जहाँ हम देखते हैं कि सलोनी शुरू से ही रिंकू के साथ मिली हुई थी और ये सब रिंकू और सलोनी की चाल थी। दरअसल जब रिंकू सलोनी और शाश्वत को मारने आया था, तब उसने सिर्फ शाश्वत को ही मारा था, जिससे सलोनी जान चुकी थी कि उसे और शाश्वत को मारने के लिए तेजी ने ही भेजा था। इसलिए सलोनी रिंकू से एक मौका मांगती है ताकि वो तेजी से अपना बदला ले सके और ये सब रिंकू और सलोनी की चाल थी, ताकि वो डीएसपी और तेजी को सबक सिखा सके। अब ये सच जानकर तेजी के होश उड़ जाते हैं। इधर हम देखते हैं कि रिजॉर्ट में मुस्कान का बेबी शावर चल रहा होता है। इसी बीच जब पापा जी अपने रूम में आते हैं, तभी उन्हें माँ एक गले का हार मिलता है, जिसे देखकर पापा जी हैरान हो जाते हैं और हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि वही सेम हार एक औरत के गले में है और उस औरत के साथ राजवीर मल्होत्रा होता है। इसी बीच दमन की मम्मी आती है और वो भी उस हार को देखकर हैरान हो जाती है। तब दमन की मम्मी पापा जी से कहती है कि मरे हुए लोग वापस नहीं आते। अब ये लोग किसके बारे में बात कर रहे थे वो हमें आगे पता चलेगा। इधर दमन रिंकू से कहता है कि वो होटल वाली डील हो चुकी है और पेपर की फॉर्मेलिटीज होते ही वो और तेजी यूएस चले जाएंगे। अब यहाँ पापा जी सुनील डोगरा को महेंद्र सिंह का पता लगाने के लिए कहते हैं, जो 28 साल पहले जेल गया था। साथ ही पापा जी उसे धमकाते हैं कि अगर ये बात उसने किसी को भी बताई तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा, यहाँ तक कि ये बात रिंकू को भी पता नहीं चलनी चाहिए।
इसके बाद पापा जी दमन को सिक्का के साथ इंटरनेशनल डील करने से मना कर देते हैं। ये सुनकर दमन को बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ से चले जाता है, जिसके बाद पापा जी रिंकू से कहते हैं कि वो मल्होत्रा से मिलकर बिजनेस डील करेंगे। अब यहाँ तेजी दमन को ये डील कैंसिल करने से मना करती है और उससे कहती है कि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हम फंस जाएंगे। खैर यहाँ राशि को समर्थ ने जो रिंकू के खिलाफ चिप में सबूत दिए थे उसका एक्सेस मिल जाता है और यहाँ दमन के पास उसके बिजनेस डीलर सिक्का का कॉल आता है। तब दमन उसे रिजॉर्ट वाली डील करने से मना कर देता है और उससे थोड़ा टाइम मांगता है। ये सुनकर सिक्का तो गुस्सा हो जाता है और वो दीपिका को कॉल करके बताता है कि ये दमन ने रिजॉर्ट वाली बिजनेस डील कैंसिल कर दी है। अब हम देखते हैं कि पापा जी जब ड्रिंक कर रहे होते हैं तभी पापा जी को दरवाजे के बाहर वही औरत दिखाई देती है जो फ्लैशबैक में दिखाई गई थी। तब ये देखकर पापा जी उसके पीछे आते हैं, तभी वहाँ मुस्कान आती है और पापा जी से कहती है कि ये तो उनकी नई नर्स कविता है, यानी पापा जी को हेलुसिनेशन हो रहे थे। इधर दीपिका राजवीर मल्होत्रा को बता देती है कि दमन ने रिजॉर्ट वाली डील कैंसिल कर दी है। ये सुनकर राजवीर तेजी को कॉल करने के लिए कहता है, जिसके बाद तेजी राजवीर से मिलने आती है। यहाँ दीपिका तेजी से दमन की प्रॉपर्टी के पेपर्स और राजराइशर के ट्रक का फॉर्मूला देने के लिए कहती है और वो तेजी को धमकाती भी है कि अगर उसने ये नहीं दिया तो वो रिंकू को बता देगी कि पापा जी की वीडियो डीएसपी को तेजी ने ही भेजी थी और समर्थ के साथ मिलकर तेजी ने ही उसे किडनैप करवाया था। ये सुनकर तेजी उसकी बात मान जाती है। अब तेजी के जाने के बाद दीपिका राजवीर से पूछती है कि वो इस प्रॉपर्टी और ड्रग्स फॉर्मूले का क्या करेगा। इस पर राजवीर दीपिका से कहता है कि जो कुछ भी पापा जी ने कमाया है, पैसा, परिवार, प्रॉपर्टी, उसे ये सब उसकी आंखों के सामने खत्म करना है, यानी वो पापा जी का सबसे बड़ा दुश्मन है। और ऐसा क्यों, वो हमें आगे पता चलेगा। अब इधर डीएसपी को समर्थ के दी हुई चिप में से ये पता चलता है कि समर्थ ने अजय आयशर के सारे एसेट्स राजवीर को ट्रांसफर किए हैं। यहीं पर एपिसोड 6 खत्म होता है। एपिसोड 7 की शुरुआत में हम देखते हैं कि डीएसपी को राजवीर मल्होत्रा के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है, जहां उन्हें पता चलता है कि राजवीर काफी सालों तक कनाडा में रहा और वहां पर इलीगल तरीके से अपना बिजनेस चला रहा था। असल में वो 12 साल पहले वैंकूवर के लोकल नाइट क्लब में ह्यूमन ट्रैफिकिंग की डील करता था, जहां पर कैनेडियन अथॉरिटी ने रेड मार दी, लेकिन ये बच गया, जिसके कुछ सालों तक ये गायब रहा और फिर सीधा दिखा सर्बिया में और फिर उसके बाद मिडल ईस्ट, बल्गेरिया और रोमानिया में दिखा। वहाँ पर उसने रियल एस्टेट पर इन्वेस्ट किया और एक साल पहले ही ये इंडिया दिखाई दिया है। साथ ही ये रूमर्स है कि यहाँ पर अपना बिजनेस बढ़ाने आया है, लेकिन डीएसपी को शक होता है कि राजवीर मल्होत्रा यहाँ पर सिर्फ बिजनेस करने तो नहीं आया, उसका कुछ और ही प्लान जरूर होगा। अब इधर दीपिका तेजी को कॉल करती है और उसे दमन की प्रॉपर्टी के पेपर्स और ड्रग्स का फॉर्मूला लाने के लिए कहती है। साथ ही वो उसे धमकी देती है कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो दमन को मार डालेगी, जिसके बाद तेजी दमन की प्रॉपर्टी के पेपर्स लेकर दीपिका के पास चली जाती है। अब जब दमन अपने रूम में आता है तो वो देखता है कि वहाँ पर उसके रिजॉर्ट के प्रॉपर्टी के पेपर्स नहीं है। ये देखकर वो हैरान था। वही इधर तेजी दीपिका से मिलने से पहले डीएसपी से मिलती है और उन्हें सारी बात बता देती है कि दीपिका उसे ब्लैकमेल कर रही है और उसने उसे रिजॉर्ट के प्रॉपर्टी के पेपर्स और अजय आयशर के ट्रक का फॉर्मूला मांगा है और अगर उसने दीपिका को ये सब नहीं दिया तो वो रिंकू को बता देगी कि पापा जी की वीडियो डीएसपी को उसने ही भेजी थी, साथ ही वो दमन को भी मार देगी। ये सुनकर डीएसपी उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसी बीच डीएसपी को पता चलता है कि सुनील डोगरा किसी काम से होशियारपुर जेल गया था। ये सुनकर डीएसपी सुनील डोगरा से मिलने उसके पास आता है, जहां हमें पता चलता है कि सलोनी को कोर्ट ले जाते समय जिस कांस्टेबल ने रिंकू को इन्फॉर्मेशन दी थी वो सुनील डोगरा का आदमी था। अब डीएसपी सुनील को धमकाता है कि अगर उस कांस्टेबल ने उसके खिलाफ स्टेटमेंट दे दी तो उसका करियर खत्म हो जाएगा और अगर वो ऐसा नहीं चाहता तो उसे सब कुछ बताना होगा कि वो होशियारपुर क्यों गया था। तब ये सुनकर सुनील डोगरा डर के मारे डीएसपी को बताता है कि उसे पापा जी ने किसी महेंद्र सिंह के बारे में पता करने के लिए भेजा था और उसे पता चला कि वो आदमी तो 28 साल पहले जेल गया था और 11 साल जेल में रहने के बाद जेल में आग लगने की वजह से वो आदमी मारा गया। अब डीएसपी उससे कहता है कि वो पापा जी को बोले कि महेंद्र सिंह अभी जिंदा है, जिसके बाद सुनील डोगरा पापा जी को कॉल करके बता देता है कि महेंद्र सिंह तो जिंदा है। ये सुनकर पापा जी के होश उड़ जाते हैं। अब इधर रिंकू को पता चलता है कि अजय आयशर के ट्रक का फॉर्मूला गायब है और जब रिंकू सीसीटीवी फुटेज चेक करता है तो उसे पता चल जाता है कि तेजी ने ही वो फॉर्मूला चुराया है, जिसके बाद रिंकू दमन को बुलाता है और उसे वो फुटेज दिखाता है और ये देखकर दमन भी हैरान था। इसके बाद रिंकू अपने आदमियों से तेजी को ढूंढने के लिए कहता है। खैर इधर तेजी दीपिका से मिलने आती है और उसे कहती है कि वो ये फॉर्मूला और प्रॉपर्टी के पेपर्स मिस्टर मल्होत्रा को ही देगी, लेकिन दीपिका तेजी की चाल जान जाती है और उसे पता चल जाता है कि तेजी डीएसपी के साथ आई है, जिसके बाद दीपिका अपने आदमी को तेजी के सारे पेपर्स लेने को कहती है और अपनी कार में बैठ जाती है।
फिर दीपिका का आदमी तेजी को गोली मारने ही वाला होता है, लेकिन उतने में डीएसपी आकर उसे बचा लेता है और तेजी माँ से अपनी जान बचाकर भागती है। इसी बीच वहाँ पर रिंकू और दमन आकर तेजी और डीएसपी को एक आदमी से बचा लेते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर दीपिका के बहुत सारे आदमी आकर फायरिंग शुरू कर देते हैं, पर दमन और रिंकू मिलकर उन सभी को मार गिराते हैं। उसी समय उनमें से एक आदमी मरने से पहले तेजी को गोली मार देता है। ये देखकर रिंकू और दमन जल्दी से तेजी को हॉस्पिटल ले जाते हैं, जिससे तेजी की जान बच पाती है। खैर अब इधर पापा जी को वही औरत दिखाई देती है जो हमें फ्लैशबैक में दिखाई गई थी, और वो उनके रूम की तरफ ही जा रही होती है। तब ये देखकर पापा जी भी उसे मारने के लिए अपनी गन लेकर उसके पीछे जाते हैं और उसे गोली मार देते हैं। जिसके बाद जब पापा जी उस बॉडी के पास आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो औरत तो कोई और नहीं बल्कि मुस्कान थी। ये देखकर पापा जी की हालत खराब हो जाती है, यानी पापा जी की दिमागी हालत ठीक नहीं चल रही। इसके बाद वहाँ पर पापा जी की नर्स आती है और ये देखकर वो भी शॉक्ड हो जाती है। तब पापा जी उस नर्स को धमकी देते हैं कि अगर उसने इस बारे में किसी को भी कुछ भी बताया तो वो उसे भी जान से मार देंगे। खैर अब इधर रिंकू के पास शेरा का कॉल आता है जो बताता कि मुस्कान की डेथ हो गई। ये सुनकर रिंकू टूट कर रोने लगता है और फिर पापा जी की नर्स मल्होत्रा को कॉल करके बता देती है कि पापा जी ने मुस्कान को नशे में गोली मार दी। ये सुनकर मल्होत्रा उस नर्स को मनाली छोड़कर जाने के लिए कहता है, यानी अब तक पापा जी के साथ ये सारे कांड मल्होत्रा ही करवा रहा था। यहीं पर एपिसोड 7 खत्म होता है। एपिसोड 8 की शुरुआत में हम देखते हैं कि रिंकू रिजॉर्ट आकर अपनी माँ से कहता है कि जब तक वो मुस्कान की जान लेने वाले को जिंदा नहीं जला देता तब तक वो उसका अंतिम संस्कार नहीं करेगा। अब इधर पापा जी नशे की हालत में दमन की माँ को सब सच बता देते हैं कि उन्होंने ही मुस्कान को गोली मारी थी। ये सुनकर दमन की माँ शॉक्ड हो जाती है। तब इसी बीच वहाँ पर रिंकू आता है और वो पापा जी से पूछता है कि मुस्कान इतनी रात को बाहर क्या करने गई थी, क्या आपको वो कुछ बताकर गई थी। इस पर पापा जी रिंकू से कुछ भी नहीं कहते और रिंकू को राजवीर मल्होत्रा पर शक होता है कि उसने ही मुस्कान को मारा होगा। जिसके बाद रिंकू राजवीर को मारने के लिए उसके घर जाता है और यहाँ डीएसपी रिजॉर्ट आकर सुनील डोगरा से मुस्कान की ऑटोप्सी रिपोर्ट मांगता है। अब इधर हम देखते हैं कि तेजी को होश आ गया है और तेजी दमन को सब सच बताती है कि दीपिका उसे ब्लैकमेल कर रही थी कि अगर उसने प्रॉपर्टी के पेपर्स और ड्रग्स का फॉर्मूला नहीं दिया तो वो रिंकू को जाकर बता देगी कि पापा जी की किडनैपिंग में मेरा ही हाथ था। साथ ही वो बता दे कि राजवीर दमन को मारने की भी धमकी दे रहा था। ये सुनकर दमन हैरान हो जाता है। अब इधर डीएसपी ऑटोप्सी रिपोर्ट लेकर पुलिस स्टेशन आता है, जहां डीएसपी को पता चलता है कि मुस्कान की ऑटोप्सी रिपोर्ट में मुस्कान की बॉडी से हैवी ब्लड लॉस हुआ है, लेकिन क्राइम सीन और फोटो में ब्लड कहीं नहीं होता। और साथ ही डीएसपी को पता चलता है कि मुस्कान की बॉडी को घसीटा गया है। तब डीएसपी राशि से पूछता है कि आखिरी बार मुस्कान से कौन मिला था, तो राशि पापा जी का नाम बताती है और कहती कि रिंकू और दमन तेजी के साथ हॉस्पिटल में थे और घर की बाकी औरतें अमृतसर गई थी। ये सुनकर डीएसपी को पापा जी पर शक होता है। इसके बाद डीएसपी अपनी टीम के साथ रिजॉर्ट पहुंचता है और पूरे घर की तलाशी लेता है। फिर डीएसपी पापा जी के पास आकर महेंद्र सिंह की फोटो दिखाता है जो कि राजवीर मल्होत्रा होता है। ये देखकर पापा जी हैरान हो जाते हैं। अब इधर हम देखते हैं कि रिंकू राजवीर मल्होत्रा के घर आता है और घर में घुसकर राजवीर मल्होत्रा के आदमियों को मार देता है। इसी बीच रिंकू को दीवार पर कुछ तस्वीरें लगी हुई दिखती है जिन्हें देखकर रिंकू के होश उड़ जाते हैं। अब इसी बीच वहाँ पर दीपिका आती है और उससे कहती है कि अगर तुम सच जानना चाहते हो तो मैं एक नंबर डायल कर रही हूँ, वो तुम्हें बताएंगे। जिसके बाद दीपिका राजवीर मल्होत्रा जो कि महेंद्र सिंह था उसको कॉल करती है। खैर अब इधर पापा जी के नाम से एक पार्सल आता है जिसमें लिखा होता है कि ये शुरुआत वहीं से है जहां से सब खत्म हुआ था, और ये देखकर पापा जी समझ जाते हैं कि ये किसने भेजा है। खैर अब राशि डीएसपी को बताती है कि पापा जी घर से निकल कर कहीं जा रहे हैं। फिर यह रिंकू एक घर के पास पहुंचता है जहां उसे अपने बचपन के पल याद आते हैं, और जब रिंकू घर के अंदर जाता है तो उसे वहाँ पर राजवीर मल्होत्रा मिलता है जो कि रियल में महेंद्र सिंह था। इसी बीच वहाँ पर पापा जी भी पहुँचते हैं और रिंकू से कहते हैं कि राजवीर मल्होत्रा ने ही मुस्कान को मारा है। तब राजवीर रिंकू को अपना असली नाम बताता है कि वो महेंद्र सिंह अतवाल है और वही उसका असली बाप है। ये सुनकर तो रिंकू के होश उड़ जाते हैं और उसे उस बात पर विश्वास नहीं होता। रिंकू उससे कहता है कि 28 साल पहले ही उसका बाप मर चुका है। तब ये सुनकर पापा जी गुस्सा हो जाते हैं और महेंद्र सिंह से कहते हैं कि वो तेरा खून है बट बेटा मेरा है। साथ ही पापा जी रिंकू से कहते हैं कि इस आदमी ने तेरी माँ को मारा है, इसको गोली मार दे। तब महेंद्र सिंह रिंकू को सारी सच्चाई बताता है कि 28 साल पहले महेंद्र सिंह किसी काम की वजह से शहर से बाहर गया था। तब पापा जी ने नशे की हालत में रिंकू की माँ का रेप करने की कोशिश की और वो खुद को बचाने के लिए छत से गिर गई, जिससे रिंकू की माँ की यही मौत हो गई। इसके बाद पापा जी ने रिंकू की माँ की मौत का इल्जाम महेंद्र सिंह पर लगा दिया जिसकी वजह से उन्हें जेल हो गई, और इसी के बाद पापा जी ने रिंकू की देखरेख के लिए उसे उसकी मासी को सौंप दिया था। अब ये सब जानकर रिंकू शॉक्ड हो जाता है। तब इसी बीच पापा जी रिंकू से कहते हैं
कि उसकी माँ को उसके बाप महेंद्र सिंह ने मारा है और वो बताते हैं कि वो उसकी माँ को शराब के नशे में बहुत मारा करता था और एक दिन शराब के नशे में वो फिर से उसकी माँ को मार रहा था, जिसके बाद उसकी माँ वहाँ से बचने के लिए छत पर आई और महेंद्र सिंह ने उसे छत से धक्का दे दिया जिससे वो वहीं मर गई। तब महेंद्र कहता है कि इसने तेरी बीवी मुस्कान को भी मारा है, लेकिन रिंकू कहता है कि पापा जी कुछ भी कर सकते हैं पर मेरी मुस्कान को नहीं मार सकते। इसी बीच वहाँ डीएसपी पहुँचते हैं और वो उसे बताते हैं कि मुस्कान की मौत बाहर रोड पर नहीं हुई थी बल्कि उसकी मौत रिजॉर्ट के अंदर पापा जी के रूम में हुई थी। और साथ ही डीएसपी रिंकू को बताते हैं कि उन्हें मुस्कान के कपड़े से फाइबर मिली है जो कि पापा जी के रूम के कारपेट से मैच करता है और मुस्कान के नाखून में पापा जी की स्किन भी मिली है। ये सुनकर रिंकू पापा जी के हाथ चेक करता है तो पापा जी के हाथ में खरोच के निशान थे। इसके बाद पापा जी रिंकू को सब सच बता देते हैं कि गलती से नशे की हालत में उन्होंने ही मुस्कान को गोली मारी थी। तब पुलिस पापा जी को अरेस्ट करके ले जाती है। खैर इधर हम देखते हैं कि रिंकू मुस्कान का अंतिम संस्कार करता है और फिर रिंकू दमन से कहता है कि उसे और तेजी को यूएस चले जाना चाहिए और मम्मी और चाची को वो अमृतसर भेज देगा ताकि ये लोग आराम से रह पाएं। इस पर दमन उसे कहता है कि तेजी और उसके बीच अब कुछ भी नहीं बचा, जो कोई भी रिश्ता था वो सब खत्म हो चुका है। इसके बाद हम देखते हैं कि तेजी तो अब प्रेग्नेंट हो चुकी है और यहाँ महेंद्र सिंह अतवाल रिजॉर्ट पहुँचता है, जिसके बाद सीजन 3 यहीं पर खत्म होता है। दोस्तों आपको ये वेब सीरीज कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वैसे अगर मैं आपको एक छोटा सा रिव्यू दूं तो ये वाला सीजन बाकी दोनों सीजन से काफी अच्छा था। बाकी आप अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और इसके अलावा आप कौन सी वेब सीरीज का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं वो भी कमेंट में बताइएगा। बाकी अगर आपको हाल ही में आई एक कमाल की वेब सीरीज देखनी है तो आप ये वीडियो देख लीजिए।